हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। जेई मेन 18 मार्च 2021 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया था। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ज्यादा आसान बोल सकते हो आप इसको। देख लो मेरे साथ, क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, दोबारा देख लीजिए। अच्छा सुनिए ध्यान से, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा बाहर ले आओ, समझदार आदमी तो बाहर भी नहीं लाएगा। मैं तुम्हें समझाने के लिए बाहर ला रहा हूँ। 4x² - 4x और 6 को लिखो 1 + क्या 5। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर से तुम्हें हिंट मिल रहा है, ऊपर से तुम्हें हिंट मिल रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये सर लिखा हुआ है 2x - 1 का होल स्क्वायर + क्या, ये लिखा हुआ है 2x - 1 का होल स्क्वायर। ये घेरा वाला जो चीज है ना, जो ब्लैक घेरे के अंदर है ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है, 2x - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये बात सुनो, धो देते हैं इसको पकड़ कर। 2x - 1 cos√2x - 1 का होल स्क्वायर और +5, और नीचे वाला भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा सर 2x - 1 का होल स्क्वायर और क्या +5। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, और dx सही है। अच्छा अब क्या करते हैं, अपन अपन यहाँ से बुद्धिमानी लगाते हैं। ये जो टर्म दिख रहा है आपको कौन, ये पूरा, हाँ सर, इसको मान लेते हैं t² क्यों सर, 2x - 1 का होल स्क्वायर + 5 क्या मानते हैं t², क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन में यही दिखाई दे रहा है कौन, 2x - 1 का होल स्क्वायर + क्या 5। सही है यहाँ तक, हाँ सर। और इसका डिफरेंशिएशन भी पावर करो ना, तो पावर सामने आएगा और क्या बन जाएगा, इस टाइप का बनेगा, 2 को छोड़कर डिफरेंशिएट कर लो समझ में आएगा तो, है ना, ऐसा काय किए थे। डिफरेंशिएट कीजिए, पावर सामने आएगा 2 × 2x - 1, है ना, और 2x का कितना हो जाएगा साहब, 2 हो जाएगा, और 1 का 0। सही है, बोलो भैया। (dx) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt, एक 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये टर्म आ गया 2x - 1, सही है, हाँ सर। तो 2x - 1 dx की वैल्यू कितना आ गया सर, ये आ गया सर 1/2 t dt, बस इसको रख देना। सुनिए ध्यान से, अपने अगले स्लाइड पे रख रहे हैं वैल्यू, सुनना। सबसे पहले ये जो अंदर का टर्म था इसको क्या माना था, तुम t² सही है, तो यहां पर रखो cos क्या हो जाएगा, √t² सही है। अब देखो ये जो 2x - 1 है और dx, ये मिला के हो जाएगा ½ t dt। हाफ कहाँ जाएगा, बाहर, ½ t dt सही है, हाँ सर, हाफ ले लिया बाहर। और जो नीचे का टर्म है जो रूट के अंदर में, वो भी t² ही है, ये हो जाएगा √t², कोई दिक्कत नहीं सर। आप सुनिए, √t² t हो जाएगा, ये t को कैंसिल कर लेगा, इसको मत कैंसिल कर देना, ये एंगल का हिस्सा है ना, तो 1/2 क्या हो जाएगा, cos t dt। और cos का इंटीग्रेशन आप जानते ही, वो क्या होता है सर, sin t होता है, तो ½ sin t + क्या c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू कितना था साहब, देखो देखो इधर, ये t² था, t की वैल्यू कितना हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगा सर √2x - 1 का होल स्क्वायर और क्या +5। क्लियर हो, हाँ सर, तो ये आ जाएगा √2x - 1 का होल स्क्वायर और +क्या 5। देख लो ऐसा कौन सा आंसर है सर, ये मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में साइन है, हाफ साइन सर, यहाँ तो 2x + 1 है, 2x - 1 तो यहीं पे है सर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्या करेक्ट। देख लीजिए भैया, बहुत तो आसान सा सवाल था, ऐसे सवाल तो अपन अपने जमाने में ओरल मार दिया करते थे। अच्छा ऐसा बात है सर, तारीफ कर लिया आप अपनी।